स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 चुनाव मैदान छोड़ जबलपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस एवं भाजपा के युवा साथी लगभग 200 से 250 नवयुवक कांग्रेस व भाजपा के नवयुवक कार्यकर्ता ने विधानसभा चुनाव के ऐन वक्त पर विधानसभा चुनावी मैदान छोड़कर कांग्रेस एवं भाजपा के द्वारा कार्यकर्ताओं के साथ विगत कई वर्षों से शोषण किया जा रहा था एवं कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कहना यह भी है कि कांग्रेस व भाजपा में उन्होंने रहते हुए कई वर्षों से अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में शोषण की राजनीति एवं भेदभाव की राजनीति होती आ रही है एवं चुनावी मैदान छोड़ नवयुवक का कहना है कि उन्होंने अपनी स्वच्छता से कांग्रेस एवं भाजपा छोड़कर MIM पार्टी का साथ देने का मन बना लिया एवं कांग्रेस भाजपा के कार्यकर्ताओं का अचानक चुनावी मैदान छोड़कर आने का मन इसलिए भी था कि उन्हें भेदभाव की राजनीति पसंद नहीं है और चुनावी मैदान छोड़कर आने का मेन उद्देश्य यह भी है कि हम पूर्व विधानसभा क्षेत्र में क्षेत्र का विकास चाहते हैं एवं अब पूर्व विधानसभा क्षेत्र में बदलाव चाहते हैं एवं कार्यकर्ताओं का समर्थन पूर्व विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी गजेंद्र सोनकर उर्फ गज्जू AIMIM पार्टी के प्रत्याशी का पुरजोर समर्थन करते हैं। MI के प्रत्याशी गजेंद्र सोनकर गज्जू भैया द्वारा सदस्यता दिलाई गई। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। जी भाई साहब, आप भारतीय जनता पार्टी से और कांग्रेस पार्टी से IIM पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उसका क्या मुख्य कारण क्या? कोई मुख्य कारण तो नहीं है कि कोई दीख दबाव या किसी का चमकाना है ना, अपने अपने मन का सौदा है, जो जिसको भा जाए उसके साथ चले जाता है ना। मैं आज करीब 8 से 9 सालों से भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइन करके लोगों की सेवा कर रहा था। उसी बीच कई बार 2 बार विधानसभा चुनाव भी आए। पिछले विधानसभा में मैं जिनके नेतृत्व में काम कर रहा था, श्री अंचल शंकर जी की, उनके नेतृत्व में काम कर रहा था। 2018 का चुनाव हारने के बाद कुछ राजनीतिक नेताओं की वजह से उनको धोखा मिला, जिसको लेकर उन्होंने पूरे समाज के लिए तिपड़ियाँ निकाली। उनका अपन ने मैनेज किया कि चलो आगे चलकर उन्हें जब 2023 में मौका मिलेगा तो अपन मैनेज करेंगे दोनों समाजों के बीच में लाके। पर उन्होंने अपना एक माइंड सेट कर लिया है कि मैं सिर्फ अपने समाज और अपने धर्म को लेकर काम करूँगा। तो मुझे भी ये बात फील हुआ कि यार मेरा भी कोई समाज है, मेरा भी कोई धर्म है। जब वो अपने समाज और धर्म के लिए काम कर रहे थे, मैं भी अपने समाज और धर्म के लिए काम करूँगा। मैन चुनावी मैदान छोड़कर आने का मेन उद्देश्य आपका क्या है? मतलब यदि IIM पार्टी यदि ना होती और यदि कोई दूसरी पार्टी होती, आप भाजपा कांग्रेस छोड़कर किस पार्टी में जाते? आप बदलाव चाहते क्षेत्र में या कुछ और मकसद है आपका? नहीं, मकसद सिर्फ यही है कि काफ़ी 20-25 साल से हमेशा इन्हीं दो चेहरों को देखा गया है। कुछ वार्ड में, कुछ समाज में कुछ नया होना चाहिए। कितने कार्यकर्ता आज आपके साथ ज्वाइन करे हैं MIM की सदस्यता? लगभग कितने लोग आपके साथ? 250 कार्यकर्ता हैं, 210 समथिंग है ना, और बाकी जो कार्यकर्ता हमारे काम कारोबार और शादी ब्याह में फंसे हैं उनसे भी चर्चाएं हुई थी, आने के लिए बोले थे, बाकी तो आगे करके देखेंगे। और भी कुछ, मतलब आपके कुछ और भी मुख्य कारण है क्या पार्टी छोड़ने का, कांग्रेस और BJP? क्योंकि भाजपा जो, देखो भाजपा भी कांग्रेस भी, दोनों पार्टी के युवा कार्यकर्ता मतलब चुनावी मैदान छोड़कर विधानसभा चुनाव में आना, मतलब ये उनके लिए भी क्षति है। जब जागो तब सवेरा। हाँ। हर किसी ने पहचान लिया है कि जिन पार्टियों ने हमारा शोषण करा, अब उनको छोड़ा जाए, तीसरा विकल्प मिला है ना, उसको चुना जाए। क्या नाम है आपका? फरहान अंसारी। पार्टी में ज्वाइनिंग की है? आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सदस्यता लगभग 200 से 225 के समथिंग लोग फरहान अंसारी के नेतृत्व में सदस्यता लिए हैं। फरहान और इनके साथी कांग्रेस और BJP में निरंतर कई सालों से काम करते आ रहे हैं और काफ़ी संघर्षशील इनकी जो टीम है वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अब मजबूत बनाने के लिए निकली है। क्या क्या कारण रहा कि अचानक चुनाव से पहले ही ये आप लोगों के साथ ज्वाइनिंग की? एक्चुअल में अचानक तो नहीं, पर कई सालों से कह सकते हैं, महीनों से, कई सालों से इनसे निरंतर बात चली थी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल होने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा हम लोगों के इधर है भी कि जब जिसके साथ रहते हैं तो उसके साथ रहते हैं। ये बार बार हमसे कह रहे थे, हमारे बहुत समझाने पे कि मेरे भाई ऐसा नहीं है, ऐसा है, सही हो गलत, अच्छे हो बुरे पे कई बार इस टॉपिक पे बहस हुई। तो इनको आज इस मौके पर ये समझ में आया जब इन्होंने अपने लीडर, अपने जिसको ये समझते थे, उनको अपने क्षेत्र के विषय में समझाया और वो नहीं माने, तो इनको एहसास हुआ कि नहीं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही सही थी। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज तीसरी पंक्ति में बैठे हुए गजेंद्र सोनकर जी को जबलपुर से मध्य प्रदेश का पहला टिकट दिया है। तो ये भी इनको बात समझ में आई कि वाकई में सेकुलर पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, ना कि BJP और कांग्रेस। ये सब एक दूसरे को बुरा भला बोल के सिर्फ अपनी रोटी सेंक रहे हैं, जबकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन
तीसरी पंक्ति में बैठे हुए लोगों को न्याय दिलाने का काम कर रही है। कहाँ से लोग, जो लोग अभी आप लोग के साथ ज्वाइन है, ये कहाँ कहाँ से लोग हैं? पूरे पूर्व विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत काम करने वाले कार्यकर्ता हैं और जुझारू कार्यकर्ता हैं। ये आपको एक से दो दिन के बाद सोशल मीडिया में जब इसका हाहाकार होगा तो आपको अपडेट ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। ये आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद सरफराज खान है, मैं मध्य प्रदेश कोर कमेटी मेंबर हूँ ऑल इंडिया मजिस्ट्रेट कियादत मुस्लिमीन। एक मिनट, ऐसे ही भी है, थोड़ा सा चर्चा करते हुए ना आप लोग, मतलब भैया आज पार्टी में सदस्यता ली गई कितने लोग? आज लगभग 225 लोगों ने, 225 लोगों ने MIM पार्टी की सदस्यता ली, जिसमें सभी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। उन्होंने आज बहुत खुशी मन से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजबूत करने के लिए और उनकी विचारधारा से जोड़ने के लिए इस संगठन की MIM की सदस्यता ली। और हम लोगों का एक ही लक्ष्य, हर घर में अच्छी शिक्षा पहुंचे और शिक्षित बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिले। पिछले कुछ दिनों से जो प्रचार चल रहा था, सभी पदाधिकारी थे, जो हम लोग कल सार्वजनिक रूप से उनके पद पर मीडिया में बता देंगे, सभी ने बिना किसी पद, बिना किसी लालच के आकर MIM पार्टी की सदस्यता ली एवं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की विचारधारा से जुड़ने का प्रयास किया। आप जनसंपर्क में कर रहे हैं, कितना जनसमर्थन है? मैंने आपसे शुरू दिन से ही कहा था फॉर्म भरने के बाद कि इस बार पूर्व विधानसभा क्षेत्र में, पूर्व विधानसभा क्षेत्र में बहुत बड़े परिवर्तन की लहर है और पूर्व विधानसभा सभी क्षेत्र की सभी माताएं, बहनें, युवा, बुजुर्ग सभी इस लोकतंत्र की लड़ाई में भाग लेने वाले हैं। और निश्चित ही 17 तारीख को जो परिणाम होगा, मतदान पेटियों बंद होगा, वह 3 तारीख को एक बहुत ही रोचक परिणाम आएगा, जिसमें पूर्व विधानसभा की जनता स्वयं प्रत्याशी के लोग रूप में इस लोकतंत्र की लड़ाई में भाग लेंगे। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।